हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जियो की पैड फ़ोन में कॉलर ट्यून कैसे सेट करते हैं। हालांकि सब कोई स्क्रीन टच मोबाइल में तो कॉलर ट्यून सेट कर ही लेते हैं, ये काफ़ी इजी लगता होगा, लेकिन चलिए चलते हैं की पैड फ़ोन में कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोबाइल की स्क्रीन में आएंगे, हमने जो लॉक रखा है उससे हमने ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम बीच के टॉप बटन पर जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे जियो सावन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये कीपैड फ़ोन है, आप लोग तो जानते होंगे कि ये काफ़ी स्लो है, तो थोड़ा सा हमको वेट करना है। बस ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद ही हम अपना गाना चूज़ कर लेंगे कि हम कौन सा गाना सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने गाना ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो केसरिया सॉन्ग मैं अपने जियो कीपैड फ़ोन में कॉलर ट्यून पर सेट करूँगा। तो रेड बटन के ऊपर में जाना है, ऊपर बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ये कीपैड फ़ोन में डबल क्लिक करना पड़ता है। रेड बटन के ऊपर में जाने के बाद अब तीन नंबर पॉइंट पे आएंगे, सेट एज कॉलर ट्यून पे जाने के बाद फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप मैसेज देख पाएंगे, बस इतना करते ही आपका कॉलर ट्यून सेट हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।